हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वास्तु कल्पकता। हम लोग बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग पे, जिसमें मेरा सबसे पहला टॉपिक रहेगा फुटिंग इंस्पेक्शन। शुरू करने से पहले हम देखेंगे फुटिंग की डेफिनेशन क्या है। फुटिंग क्या है? फुटिंग एक ऐसा पार्ट है फाउंडेशन का जो सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर को सेटल होने से। दूसरा पॉइंट यह है कि फुटिंग के डेप्थ और विड्थ डिपेंड करती है सॉइल के टाइप पे, यानी कौन सी सॉइल है। तीसरा, ये बेसिकली डिज़ाइन इंजीनियर के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है फुटिंग के दौरान। सबसे पहला है चेक द डेप्थ एंड डायमेंशन, यानी फुटिंग की डेप्थ और डायमेंशन हमें चेक करनी होती है। दूसरा है चेक द रेनफोर्समेंट बार्स साइजेस स्पेसिंग एंड फुटिंग कवर, यानी रेनफोर्समेंट के बार्स के साइजेस स्पेसिंग और उनका कवर हमें चेक करना है। तीसरा, क्रेडिबिलिटी ऑफ फॉर्मवर्क एंड ग्रिड लाइन लोकेशन, यानी फॉर्मवर्क प्रॉपरली सपोर्टेड है या नहीं और ग्रिड लाइन्स के अकॉर्डिंग फुटिंग्स प्लेस की गई है या नहीं। चौथा है इसमें चेक द डिज़ाइन कॉन्क्रीट सेल टूल्स एंड मैन पावर नीडेड एंड वॉल्यूम रिक्वायर्ड एंड यस इट डिपेंड्स ऑन वेदर। इस पॉइंट में हम कॉन्क्रीट के डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो गिवन है वो चेक करेंगे। मैन पावर यानी कितने लोग लगने वाले हैं इस काम के लिए और मशीन क्या क्या लगने वाली है, और ये डिपेंड करता है कौन से सीजन में आप काम कर रहे हैं। अब इन पॉइंट्स को हम ब्रीफली देखेंगे। सबसे पहला डेप्थ एंड डायमेंशन। इसमें पहला है कि हमें फ्रेमवर्क का लेंथ और ब्रेथ और हाइट चेक करनी है फुटिंग के साइज के लिए। दूसरा है इसमें पीसीसी की मिनिमम थिकनेस 100 mm होनी चाहिए। इसका मेन काम होता है कि इसे इवन सरफेस मिलती है फुटिंग के लिए। तीसरा है फुटिंग का डिस्टेंस कितना है साइड मार्जिन से और सेंटर डिस्टेंस कितना है फुटिंग का। चौथा, फुटिंग की डेप्थ चेक करनी है हमें ग्राउंड लेवल से। अगर अनइवन रहेगी तो सेटलमेंट होने के चांसेस होते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट था हमारा रेइनफोर्समेंट बार्स साइजेस स्पेसिंग एंड फुटिंग कवर। इसमें बार्स की साइजेस दोनों डायरेक्शन में, यानी 60 mm है या 20 mm है या 25 mm है, ये चेक करनी है। दूसरा है कि लेंथ एट कॉर्नर्स यानी LD कितना है एंड्स पे। LD मीन्स डेवलपमेंट लेंथ होती है। तीसरा है कवर एंड स्पेसिंग देखनी है हमें दोनों डायरेक्शन में। चौथा है LD चेक करनी है हमें कॉलम की जो नीचे के डायरेक्शन में आ रही है। पांचवा है इसमें कंक्रीटिंग से पहले हमें स्लम टेस्ट जरूर करना होता है। इसमें आखिरी पॉइंट है हमें क्यूब बनाने होते हैं 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए और 21 दिन के लिए, यानी मिनिमम 3 या 6 बनाने होते हैं। ये डिपेंड करता है साइट पे। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि चेयर बार भी ज़रूरी है। हमारा तीसरा पॉइंट है फॉर्मवर्क एंड ग्रिड लाइन लोकेशन। फुटिंग का फॉर्मवर्क प्रॉपरली सपोर्टेड है या नहीं ये चेक करना है हमें। अगर उसमें कोई गैप है तो उसे हमें क्लोज कर देना है, वरना कंक्रीट की स्लरी बाहर आ जाएगी और हनीकॉम स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तीसरा है कि फुटिंग ग्रिड लाइंस के अकॉर्डिंग है या नहीं ये चेक करना है, प्रॉपरली प्लेस की गई है या नहीं। अगर ऊपर नीचे हो गई या फिर आगे पीछे हो रही है तो अलाइनमेंट नहीं होगा, जिसके वजह से प्रॉब्लम आ सकते हैं स्ट्रक्चर्स में। इसमें हमारा आखिरी पॉइंट है डिज़ाइन कंक्रीट स्ट्रेंथ टूल्स मैन पावर्स नीडेड एंड वॉल्यूम रिक्वायर्ड। इसमें सबसे पहला है कंक्रीट की स्ट्रेंथ बेसिकली डिपेंड करती है एड मिक्सचर के परसेंटेज पे, मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, यानी कितना सीमेंट कितना सैंड और कितना एग्रीगेट डाल रहे हो आप। दूसरा है कंक्रीट ग्रेड, यानी M20, M25, M30 कौन सी ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करने वाले हो आप फुटिंग के लिए। तीसरा है टूल्स यानी मशीन्स प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं। इसमें चौथा है मैन पावर यानी कितने आदमी लगने वाले हैं कंक्रीटिंग के लिए। पांचवा है कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, यानी आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी पता होनी चाहिए कंक्रीट कितना लगने वाला है। और छठवां पॉइंट है इसमें कि वेदर पे डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।